वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे वो मशहूर एक्टर, अभिनेता, मॉडल सुरेश ओबराय के बारे में। तो इनका जो वास्तविक जीवन है और इनका फिल्मी करियर ग्राफ कैसा रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इनका वास्तविक नाम है सुरेश ओबराय। पेशे से ये मॉडल अभिनेता हैं और इनका जो जन्म हुआ है वो 17 दिसंबर 1946, जन्मस्थान क्वेटा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अभी ये इंडियन हैं और मुंबई, महाराष्ट्र इनका गृह नगर हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल हैदराबाद और शैक्षणिक योग्यता उच्च विद्यालय से ये स्नातक किए हैं। दोस्तों, इनकी प्रथम प्रवेश आई है जीवन मुक्त 1977 में और टीवी धड़कन सीरियल 2002 में। इनके पिताजी का नाम आनंद स्वरूप ओबराय, माता करतार देवी और भाई का नाम कृष्णन ओबराय, जगमोहन ओबराय, ये तीन भाई हैं। दोस्तों, इनके पिताजी ये मुंबई गोल्डन जुहू बीच इनका एड्रेस है। इनकी जो शौक़ हैं, पढ़ना, परिवार के साथ फिल्म देखना, कविता लिखना। पसंदीदा हीरो हैं इनके अक्षय कुमार, गोविंदा। पसंदीदा फिल्म इनकी है राजा हिंदुस्तानी 1996। पसंदीदा कलर ये सफ़ेद इनको अच्छा लगता है। ये विवाहित हैं। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा ओबराय। इनकी शादी की तारीख है 1 अगस्त 1974, मद्रास चेन्नई में हुई। इनके जो बच्चे हैं उनका नाम है विवेक ओबराय जो अभिनेता हैं, और बेटी मेघना ओबराय जो गायिका और चित्रकार हैं। इनके दो बच्चे हैं। दोस्तों, अगर कार संग्रह की बात की जाए तो विवेक ओबराय ने गिफ्ट की मर्सिडीज एसयूवी महिंद्रा थार है इनके पास। दोस्तों, ये मुंबई में रहते हैं। इनका जन्म क्वेटा, बलूचिस्तान में पंजाबी व्यवसायी आनंद स्वरूप ओबराय और माता करतार देवी के घर हुआ। इसके बाद उनका परिवार भारत आया और उन्होंने हैदराबाद में मेडिकल स्टोर की एक श्रृंखला स्थापित की। बचपन से ही वे खेलों में सक्रिय थे। अपने स्कूल में टेनिस और तैराकी के चैंपियन रह चुके हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर उनके व्यवसाय को संभाला। उनकी प्रतिभा और अभिनय में गहरी रुचि और रेडियो शो और स्टेज नाटकों ने उनको इस लाइन में लाया और वो हमेशा से ही अरेंज मैरिज चाहते थे, वो भी चेन्नई में बसी एक पंजाबी लड़की से, क्योंकि वो दक्षिण भारत में पले बड़े थे। जब वो पहली बार अरेंज मैरिज के लिए यशोधरा से मिले तो उन्होंने एहसास हुआ कि वही लड़की है जिसकी उन्हें तलाश थी। इस जोड़े ने 1974 में शादी कर ली और विवेक ओबराय के जन्म के 2 साल बाद वे मुंबई चले आए। वो अपनी पहली फिल्म जीवन मुक्त के बाद उन्हें विभिन्न फिल्मों में देखा गया, जैसे 1979 में काला पत्थर, सुरक्षा और कर्तव्य, और 1980 में एक बार कहो खंजर मोर्चा इत्यादि में। दोस्तों, 1980 में फिल्म एक बार में फिल्म पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में उन्हें मिली, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और दुनिया भर में वो लोकप्रिय बन गए। भारतीय ड्रामा फिल्म लावारिस में उन्हें अभिनय के लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद वे सुरेश ने कई फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिका निभाई। वो वही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो कई सारे मॉडल के साथ और फिल्म टेलीविज़न के साथ वो काम कर चुके हैं। उन्होंने 1984 में हिंदी फिल्म आवाज़ में काम किया और उन्हें बेहतरीन अभिनय भी किया। इस तरह से बहुत सारी फिल्में उन्होंने लगातार हिट पे हिट देते रहे और सभी को मनोरंजन करते रहे। तो उम्मीद करती हूँ कि उन्हें स्वस्थ रखें भगवान, और उनकी जो भी अभी आने वाली सीरीज़ और इंटरव्यूज़ वगैरह वो लेती रहते हैं तो हमें देखने को मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।